वाराणसी में घाटों के किनारे गंगा का जलस्तर बढ़ते ही घाटों के किनारे जो है सिल्ट मिट्टी देखने को मिलता है, जहां से जिसके द्वारा की काफी गंदगियां भी होती है। लेकिन नगर आयुक्त अक्षत वर्मा के द्वारा जो है कि ये दिशा निर्देश किया गया है, क्योंकि दिवाली आ रहा है, दिवाली के बाद छठ का पर्व है, महापर्व आ रहा है, देव दिवाली भी आ रहा है, तो उससे पहले घाटों की सफाई कर दिया जाए। आप तस्वीरें में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुबह से ये लोग लगे हुए हैं, घाटों की सफाई कर रहे हैं। नगर आयुक्त से अक्षत वर्मा के द्वारा गंगा के घाटों का जल स्तरीय निरीक्षण किया गया। आगामी दिनों में पड़ने वाले देव दिवाली एवं डाला छठ पर्व को देखते हुए गंगा घाटों की सफाई, सिल्ट की सफाई एवं सिल्ट का उठान, सीवर आदि की समस्या के संबंध में भ्रमण किया गया। नगर आयुक्त के द्वारा स्थलीय भ्रमण व निरीक्षण 80 घाटों से 9 घाटों तक किया गया। नगर आयुक्त के द्वारा मुख्य अभियंता को निर्देश भी दिया गया कि घाटों की मिट्टी की सफाई हेतु नियमित रूप से पर्यवेक्षण करते तथा जो भी आवश्यक संसाधन आदि की आवश्यकता हो तत्काल उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि समस्त घाटों को मिट्टी तत्काल साफ हो सके। नगर आयुक्त के द्वारा जोनल अधिकारी भेलूपुर को भी निर्देश दिया गया कि प्रतिदिन स्वयं घाटों पर उपस्थित होकर किए गए कार्यों की प्रगति से अवगत कराए। नगर आयुक्त से संबंधित ठेकेदारों को भी निर्देश दिया गया कि जिस कार्यों को पूर्ण कराया जाए और जल्द ही जल्द सभी घाटों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था कराए जाने एवं खराब लाइटों को तत्काल ठीक कराए जाने हेतु अभिशासी अभियंता आलोक को निर्देशित किया जाए। दिवाली आ रहा है, गंगा घाटों के किनारे लोग दीपक भी जलाते हैं, उसके बाद छठ आ रहे हैं, महापर्व आ रहे हैं, गंगा घाटों के किनारे पर्व छठ मनाया जाता है काफी हर्षोल्लास से, तो उनको जो है कि पूजा पाठ के लिए साधन उपलब्ध हो, घाटों पर साफ सफाई किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि सुबह से और जो है कि सफाई किया जा रहा है, 80 से लेकर 9 घाट तक सफाई जारी है और छठ का पर्व यानी छठ आने से पहले तमाम घाटों की तैयारियां जो है वो पूर्ण हो जाएंगे। Subscribe and stay updated with True2Life News.